अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी इस वीडियो के अंदर लोकल अरबिक में बोले जाने वाले, अवाम पब्लिक के दरमियान बोले जाने वाले, रोड स्ट्रीट पर बोले जाने वाले लोकल अरबिक जुमला को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, जो आम तौर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, सुने जाते हैं, बोले जाते हैं। पहला सेंटेंस, हादा कला मुँह मंतकी, दिस टॉक इज नॉट लॉजिकल, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, ये बात मंतकी नहीं है। आप किसी को एडवाइस मशवरा दे रहे हैं या अपने ओपिनियन बता रहे हैं या कोई आपको किसी बात का तर्क दे रहा है, कोई सबब, कोई लॉजिक बता रहा है जो एक्चुअल में हकीकत में खिलाफ कयास है, कॉमन सेंस के खिलाफ है, खिलाफ वाक़े है वो राय मशवरा या ओपिनियन, उस वक्त आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं हादा कला मुँह मंतकी, यानी आपके बात के अंदर कोई लॉजिक नहीं है, ये बात जो आप बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो रीज़न या जो सबब या जो वाक़या या जो एडवाइस, जो मशवरा आप दे रहे हैं, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, इस बात के अंदर ये लॉजिक के खिलाफ है। दूसरा सेंटेंस, रूह सवा सवा हुआ, गो अलोंग विद हिम, उसके साथ जाओ। रूह लोकल अरबिक में जाने के लिए बोलते हैं, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, फेले अम्र है, रूह जाओ। सवा सवा साथ साथ, एक साथ की मीनिंग में आता है। सवा सवा पर मुस्तकिल मैंने एक वीडियो बनाया है और इसको बहुत सारे मुख्तलिफ जुमला सेंटेंस में इस्तेमाल किया है, प्ले लिस्ट में लगाया है, अगर आपने ना देखा हो तो उसको देख लें। सवा सवा के बाद जो लफ्ज लाते हैं उसके साथ जाना होता है, जैसे रूह सवा सवा जैद, जैद के साथ जाओ, यानी जैद और तुम एक साथ जाओ। आना व जैद रूह सवा सवा, मैं और जैद एक साथ जाते हैं या बेरूह जा रहे हैं, यानी सवा सवा को मुख्तलिफ जुमला के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फेल वर्ब रूह है, रूह माने जाना, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप रूह फेल को बोल सकते हैं, वो चाहे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लुरल हो, इसी तरीके से सेकंड पर्सन का भी सब्जेक्ट हो सिंगुलर हो प्लुरल हो, मेल हो फीमेल हो, थर्ड पर्सन का भी सब्जेक्ट ही शी दे, सबके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वर्ब को, फेल को, रूह को। रूह जाओ, आना रूह मैं जाता हूँ, नहनो रूह हम जाते हैं, जैद रूह जैद जाता है, इंतर रूह तुम जाते हो, हुआ रूह वो जाता है, हुम रूह वो लोग जाते हैं। लोकल अरबिक में बगैर किसी फर्क के इस फेल को, रूह को हर एक सब्जेक्ट के साथ आप बोल सकते हैं, मौका मुनासिबत के लिहाज से, एतबार से, जरूरत के मुताबिक। यानी इस फेल के अंदर सब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। हाँ, पास्ट सिंपल में जब बोलेंगे उस वक्त रूह था बोलेंगे, जैसे आना रूह था मैं गया, वहां पे रूह था बोलेंगे, नहनो रूह ना हम लोग गए। वरना तो आमतौर से लोकल अरबिक में हर एक सब्जेक्ट के साथ रूह को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस, सवी सबर कीप पेशेंस, धीरज रखो, सबर करो, बी पेशेंट, समझे, सबर करो। सवी सबर, सवी माने करो, सबर पेशेंस
उर्दू में सबर भी बोलते हैं, धीरज सबर। सवी लफ्ज लोकल अरबिक में ये वर्ब है, बहुत ज्यादा बोला जाता है। इस पर भी मैंने मुस्तकिल वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में लगाया है, अगर आपने ना देखा हो तो उसको देख लें ताकि इसको अपने जुमला में इस्तेमाल करना सीख जाए। सवी सबर, बी पेशेंट, सब्र करो। चौथा सेंटेंस, शुनू मुश्किल, व्हाट इज प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, क्या मसला है, क्या परेशानी है। शुनु माने क्या, मुश्किल, प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत। किसी से पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। पांचवा सेंटेंस, माफी मुश्किल, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं। माफी मुश्किल, माफी माने नहीं है, मुश्किल, प्रॉब्लम, परेशानी। असल में ये सेंटेंस भी लोकल अरबिक में ज्यादा बोला जाता है, लोग पूछते हैं कि फी मुश्किल, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, बोल दो माफी मुश्किल, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो आप उसको बता सकते हैं। छठा सेंटेंस, मीता बे इर्जा, मीता बे इर्जा, वेन ही इज रिटर्निंग, वो कब वापस आ रहा है, कब लौट रहा है। इर्जा लोकल अरबिक में वापस होने, लौटने के मीनिंग में आता है। ये वर्ब भी बहुत बोला जाता है कम बैक के मीनिंग में। हुआ इर्जा, वो वापस आ रहा है। इंत इर्जा, इर्जा, तू वापस आ रहे हो। आना इर्जा, मैं वापस आ रहा हूँ। नहनो इर्जा, यानी हर एक सब्जेक्ट के साथ आप इर्जा को बोल सकते हैं लोकल अरबिक में, आम जो है पब्लिक लैंग्वेज में, पब्लिक बोलचाल में। फाइल के बदलने से फेल इर्जा के अंदर या इर्जा भी बोलते हैं, इर्जा के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा। हर एक सब्जेक्ट के साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो या सेकेंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सबके साथ इर्जा बोल सकते हैं। हुआ इर्जा, आना इर्जा, नहनो इर्जा, ऐसे बोल सकते हैं। कोई सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर चेंजिंग नहीं। सातवां सेंटेंस, हुआ मुतजव्वस, ही इज मैरिड, वो शादीशुदा है। हुआ मुतजव्वस, वो शादीशुदा है। इंता मुतजव्वस, यू आर मैरिड, तुम शादीशुदा हो। आना मुतजव्वस, आई मैरिड, मैं शादीशुदा हूं। यहां पे प्लुरल के साथ मुतजव्वजी, नहनु मुतजव्वजी, वी आर मैरिड, हम लोग शादीशुदा हैं। मुतजव्वजीन हो जाएगा प्लुरल के साथ। हुम मुतजव्वजीन, नहनु मुतजव्वजीन, इंतुम मुतजव्वजीन, ऐसे बोल। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ मुतजव्वस। आठवां सेंटेंस, हुआ आज़ब, ही इज सिंगल, वो कुंवारा है, वो अकेला है, यानी शादीशुदा नहीं है, उसको आज़ब बोलते हैं अरबिक में। हुआ आज़ब, इंता आज़ब, यू आर सिंगल, आना आज़ब, आई एम सिंगल, नहनु आज़ब, वी आर सिंगल। इस तरीके से मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज़ब सिंगल गैर शादीशुदा के मीनिंग में बोला जाता है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आखिर में दरख्वास्त है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मा सलामा।